3D प्रिंटिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को अब तक जानकारी हो चुकी है, तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि 3D प्रिंटर कान के रोगों, खासकर परफोरेटेड ईयर ड्रम या कान के क्षतिग्रस्त पर्दे को रिपेयर करने के लिए किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो कान के पर्दे में किसी भी समस्या से दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ लोग हर साल प्रभावित होते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को हेयरिंग लॉस होता है, सुनने की शक्ति में कमी आती है या क्षतिग्रस्त कान के पर्दे से बैक्टीरिया या वायरस का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जो बाद में मस्तिष्क या ब्रेन में भी पहुंच जाता है। अब यहाँ कान का पर्दा कई तरह से डैमेज हो सकता है, जैसे तेज आवाज़ से, चोट से या ईयरबड के गलत उपयोग से। तो ये तो हुई समस्याओं की बात, चलिए अब देखते हैं कि ईयर ड्रम परफोरेशन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और इस संबंध में क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में हमारे पास टिम्पेनोप्लास्टी ही बेस्ट ऑप्शन है, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप चैनल पर जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टिमक्योर जैसे डिवाइसेस, इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कई लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि टिमक्योर भारत में कहाँ अवेलेबल है। तो देखिए, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि टिमक्योर के आने से पर्दे की सर्जरी का खर्च 50,000 के बजाय केवल 5,000 रह जाता है। अब आप ही सोचिए कि कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर हर मरीज पर 45,000 रुपये का नुकसान क्यों उठाना चाहेगा। बस इसी कारण से टिमक्योर में देर हो रही है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। ऐसे कई NGOs हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं और जो कान की बीमारियों के इलाज के लिए जगह जगह कैंप लगाते हैं, वहाँ जल्द ही आप इस डिवाइस को देखेंगे और इसका यूज़ भी कर सकेंगे। इसके अलावा इनडेप्थ चैनल की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री को मेल और सजेशन भेजे जा रहे हैं कि वो सरकारी अस्पतालों में इस तरह के डिवाइसों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, लेकिन ये केवल किसी एक के प्रयासों से सफल नहीं होगा। आप सभी को मेल, लेटर या ट्वीट्स के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना ही होगा। इसके बाद चलिए अब हम इस फील्ड में हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में फोनोग्राफ्ट नाम की मशीन को सक्सेसफुली तैयार किया है, जो वास्तव में एक 3D प्रिंटर है। यह मशीन कान के एक ऐसे पर्दे को डिज़ाइन कर सकती है जो बिल्कुल हमारे ओरिजिनल पर्दे की तरह काम करता है और जो अलग अलग साउंड्स पर अलग अलग तरह से वाइब्रेट भी करता है। जब इस 3D प्रिंटेड पर्दे को कान में लगाया जाता है, तब यह पहले तो सुनने की क्षमता बेहतर करता है और धीरे धीरे ओरिजिनल पर्दे की कोशिकाओं की वृद्धि भी करवाता है, जिससे हमारा ओरिजिनल पर्दा अपने आप ही जुड़ जाता है और हमें ठीक उसी तरह सुनाई देने लगता है जैसा हम पहले सुनते थे। देखिए, अभी हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है यानी टिम्पेनोप्लास्टी, उसमें कान के क्षतिग्रस्त पर्दे पर किसी मटेरियल को रखकर उसे केवल बंद कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे टायर का पंचर सुधारा जाता है। इससे हमारे सुनने की क्षमता बहुत प्रभावित होती है और इसमें गिरावट ज़रूर आती है, लेकिन फोनोग्राफ्टिंग में ऐसी कोई समस्या नहीं आती और हमारे सुनने की क्षमता पहले की तरह हो जाती है। हालांकि फोनोग्राफ्टिंग के बाद सुनने की क्षमता में कुछ गिरावट तो आती ही है, लेकिन ये गिरावट केवल 8-10% ही होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के ऑपरेशन या चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं होती। केवल 3D प्रिंटेड पर्दे को हमारे फटे हुए कान के पर्दे पर रख दिया जाता है। तो हमारे वो सभी व्यूअर्स जिन्हें कानों की समस्याएँ हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हम एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को न केवल देखेंगे बल्कि उनका बेनिफिट भी ले पाएंगे। तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और कानों की दूसरी किसी भी समस्या के लिए इनडेप्थ चैनल की सीरीज ऑफ ENT स्पेशल एपिसोड ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।